इतने बेखौफ कैसे हो गए अचानक की जगह जगह हर दूसरे शहर में गोलियां चल रही पिछले हफ्ते भर से तो तकरीबन कभी उदयपुर में कभी अलवर में। देखो अपराधियों को कहीं कहीं से प्रोटेक्शन होता है, किसका किसी का भी हो किसी प्रोटेक्शन होता है। इतनी बड़ी गैंग, इतना बड़ा माफिया, इतने बड़े लोग बिना प्रोटेक्शन के नहीं हो सकते। मैं नहीं कहता किसका है प्रोटेक्शन, पर बिना प्रोटेक्शन के इतने बड़े माफिया, इतने बड़े गिरोह पैदा नहीं होते, इतने बड़े अपराध। अभी जोधपुर में गोली चला दी, कई घटनाएं कहीं भी हो जाती है, जयपुर में हो जाए कि कहीं सिरोही में हो जाए। ये गैंग वार जो होता है ये निश्चित रूप से आधुनिक तरीके से गैंग वार पनपा है। ये जब भी राज अगर राज कंटिन्यू आए कांग्रेस का तो गैंग वार अपराध सब समाप्त हो जाए। हमसे तंग होंगे तो उधर जाके शरण ले लेंगे, उधर से तंग हो तो इधर ले लेंगे। जब गवर्नमेंट रिपीट होगी कांग्रेस की दोबारा तो आपकी समस्याएं नहीं दिखे। उनको पता है कि सरकार दूसरी आएगी या सरकार रिपीट नहीं होती है तो अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। सरकार रिपीट होगी तो अपराधी खत्म हो जाएंगे, सब अपराध सब समाप्त हो जाएंगे। क्या 92 तक राजस्थान में अपराध रहने नहीं चाहिए? कांग्रेस अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। अपराधी दूसरी सरकार आती है उसके समय पनपते हैं। ये पेपर माफिया भी उन्हीं के समय पनपा है, उन्होंने कार्रवाई नहीं की, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। किसने ये पेपर माफिया पैदा किया? पिछले 5 साल में एक अपराधी पकड़ा हो तो बता दो पेपर माफिया। हमारे सब पेपर माफिया पकड़े गए, वो कितने बड़े लोग। सर फिर क्या वजह है कि सिरोही जिले में बच्चा चोरी की पहली घटना कई साल पहले आप रोड में हुई थी, जांच भी हो गई, आरोप भी तय हो गया, लेकिन वो चिकनी बात क्यों करते हो? आप जिस गहलोत साहब की चेयरमैनशिप में 156 सीट भी तो आई, अध्यक्ष कौन थे पार्टी के उसमें? सीएम कोई बात है क्या? 300 राजीव गांधी के नेतृत्व में 300 एमपी आए थे, 53 400 देश की जनता निर्णय बदलती रहती है, अपना निर्णय है, इसको कौन चैलेंज करेगा भाई? 400 सीटें भी आ गई, 453 भी आई थी कांग्रेस की, पायलट साहब भी दो आई थी। पायलट साहब की भूमिका को कांग्रेस में कैसे देखते हैं आप? किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका के बारे में बात ना करें, कोई व्यक्ति की नहीं है, पार्टी की होती है। हार भी पार्टी की तो जीत भी पार्टी की, व्यक्ति विशेष की जीत नहीं होती कभी। हार भी पार्टी की होती है तो जीत भी पार्टी की होती है, कोई व्यक्ति विशेष की वजह से जीत थोड़ी होती है, व्यक्ति विशेष की वजह से हार थोड़ी होती है। पार्टी की जीत पार्टी की हार सामूहिक निर्णय होता है सबका, हार जीत। पायलट साहब की बात करते हैं, 2014 में एमपी कितने आए राजस्थान में? 19 में कितने आए? जब अध्यक्ष कौन थे पार्टी के अध्यक्ष यहाँ? उसकी बात कोई नहीं करता जीरो की, ये व्यक्ति विशेष की नहीं है, कोई व्यक्ति मैं उसकी बात क्यों करता हूँ? जीरो पे क्यों गए एमपी 2014 में? क्यों गए 19 में? क्यों गए जब तक हमारी सरकार थी? ये देश का निर्णय है, जनता का निर्णय है, जनता क्या निर्णय करती है इसको हम क्यों अपने ऊपर लेंगे? ये उसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ? जनता का निर्णय, जनता बदलती रहती है अपना निर्णय। सर आप लोग सब उपलब्धियां गिना रहे हैं सरकार की, बहुत काम किया बहुत काम किया। संयम जी ने दो मुद्दे उठाए थे विधानसभा में और संयम जी खुद कहते हैं बहुत काम किया तो जीतेंगे या जिताएंगे। तो बजरी का मुद्दा उठाया, इनका कहना था सरकार आपको, जनता आपको सबक सिखा देगी। पेपर आउट होने का मुद्दा आया, जनता आपको सबक सिखा देगी। तो क्या आप मानते हैं कि काम से असर नहीं होता, गवर्नेंस से असर होता है और गवर्नेंस आपकी पूरी तरह नदारा दे राज्य? देखो पेपर आउट की घटना तो बहुत ही गंभीर घटना है, माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको आजन उनके बैन लगा दिया, जो इसमें पकड़े गए उनकी नौकरी पेशा उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, जो गिरोह के सरगना थे उनके मकान पर पहली बार बुलडोजर चला दिया और उनके ऊपर एक एक इनाम जो फरार हैं उनके भी 1,00,000 इनाम घोषित कर दिया। इस तरह पहली बार बुलडोजर चलाया, पहली बार पकड़े गए। बीजेपी के टाइम 5 बार पेपर आउट हुए, एक भी नहीं पकड़ा गया। गुजरात में पेपर आउट हुए, अभी 17 पेपर आउट हुए 5 साल में, एक भी कार्रवाई नहीं की। हम कार्रवाई कर रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं, कड़ा कानून भी लेकर आए हैं, हम विधानसभा में पारित कानून भी बनाया हमने। हमने क्या नहीं किया पेपर? हम चाहते हैं पेपर आउट करने वाले निश्चित रूप से एक तरह से
गंभीर आरोपी है, उनके खिलाफ बुलडोजर पहली बार चलाया, आपको पता हो तो पहले चलाया बीजेपी के टाइम भी आउट हुई थी, एक भी पकड़ा गया क्या? हमारे सारे पकड़ लिए, पेपर देने से पहले पेपर परीक्षा कैंसिल कर दी, दोबारा उसकी परीक्षा करवा दी। तो निश्चित रूप से सरकार गंभीर है, हाथों हाथ बस को नहीं पकड़ा गया उदयपुर SP ने, पेपर होने से पहले पकड़ लिया था, आउट कहाँ हुआ, आउट हो गया, दोबारा परीक्षा करा दी 29 जनवरी को। तो जो 4-5 सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया, कम किया गई, आप कम मानते हो कि इसको आप क्या चाहते हैं? लेक ऑफ गवर्नेंस जो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नेंस कोई चीज घटना होती है, घटना के बाद अगर वो उसमें सरकार लीपापोती करती है तो सरकार दोषी है, पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई की, तो दोबारा सबक सिखाने के लिए बुलडोजर चलाए उनके मकानों, बुलडोजर चला दी, ये कम बात है कि पहली चलाए किसी सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने चलाया ना, संयम जी की बात को गंभीरता से लिया ना, मुख्यमंत्री की सलाहकार है, आपने सलाह दी ना, वो वैसा ही काम किया। दूसरी बात तो गंभीरता से ली कि भाई भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही बिजली ठेकेदार के उसमें काम कर रही है, ये मेरे को पता नहीं, पर बदरी के निश्चित रूप से कितनी माइंस अलॉट की हमने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में पाबंदी लगा दी, पहले पता है आपको, हमने कोशिश करके, हमारी सरकार ने कोशिश करी, सारी को लीज कर दी वापस, कितने फर्क आ गया, 100 से अधिक माइनिंग लीज हमने जारी किए, बीजेपी के टाइम एक भी माइनिंग लीज नहीं थी, एक रुपया भी रॉयल्टी का नहीं आ रहा था, एक रुपया भी 5 साल तक हमने कोशिश करके उनको लीज को वहाँ से फैसला कराया, सबकी लीज कर दी, बाकी और कर देंगे। तो ये थोड़ी पहले दो नंबर में बदरी चल रही हो, ये अब इनकी शिकायत है, निश्चित रूप से बदरी माफिया पैदा हुआ है, ये हर जगह रोज़ खबर आती है, कभी क्या ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं, कभी ट्रोला चढ़ा देते हैं, बदरी माफिया है, जो माफिया पिछले 5 साल में पनपा उसको धीरे धीरे समाप्त करना पड़ेगा। ये जो बदरी की समस्या है,